ठीक है जिग्गू, ले आता हूँ मैं, ठीक है? बाकी तू एक काम कर, उन्हें फोन करके बोल दे कि डिलीवरी आज ही दे देंगे हम, ठीक है? ओके मेरे भाई। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? होप करते सब बढ़िया होंगे, मजे करूंगे। तो मैं आपका प्यारा जी, मैं आ चुका हूँ दोस्तों आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। बिल्कुल सही दोस्तों, फिलहाल मैं कॉफी वगैरह पी रहा था। कॉफी तो चलती रहेगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको हर एक गाड़ी की टेस्टिंग करके दिखा दी थी और ये भी बता दिया था कि किस किस गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, अब इन चीजों के बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, सारी गाड़ियों का काम हो चुका है, सारी गाड़ियां अंदर वर्कशॉप में है। तो मुझे वो गाड़ियां यहाँ लेके आनी है और उनमें से कुछ दो गाड़ियों की डिलीवरी आज है दोस्तों, क्योंकि सेटलमेंट वगैरह ऑर्डर वगैरह हमें पहले ही मिल चुका है। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला। तो चैनल सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक कर दो। ये कप में रख देता हूँ यहाँ पे। जिग्गू ये पैसे यहाँ मत रखा कर यार, तू पागल है। कितनी बार समझाया मुझे भूतनी के दिमाग है नहीं है। जिग्गू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल ही है या फिर भूतनी का। लेट्स गो दोस्तों, तो लेके आता हूँ मैं कार वगैरह, क्योंकि आज सारी कार ना दोस्तों शोरूम के अंदर खड़ी करनी है भाई। सारी गाड़ियों का काम भी हो चुका है और अंकल ने बोला उनके काफी सारे बंदे ना लगे रहे रात भर और अब जाके सारा गाड़ियों का काम पूरा हुआ है, क्योंकि इन्होंने और कोई गाड़ी का काम करा ही नहीं भाई। उसके बाद ये देख रहे हो दोस्तों। ओके, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस वाली को लेके चलते हैं, ये वाली टाटा नेक्सोन। अब हर एक गाड़ी का आपको पता है गाइस क्या क्या चीज़ों की दिक्कतें थी। अब आप लोग खुद देख लेना कि गाड़ी की दिक्कतें ठीक हुई है या नहीं है, क्योंकि आप लोग देख के ही बता दोगे कि हाँ भाई इसमें ये दिक्कत थी और ये तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है इसमें क्या दिक्कतें थी, आगे डेंट था, फाइनली सब कुछ ठीक है। और आज पीछे की साइड भी थोड़ी बहुत चीज़ें टूटी फूटी थी, शीशे टूटे फूटे थे, वो फाइनली सारा काम हमने करवा दिया है। हर एक गाड़ी का, हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारा काम कंप्लीट करा हमने। इतना ही नहीं, हर एक गाड़ी की सर्विस तक हमने दोबारा करवा दी है दोस्तों, ठीक है? पहले ये था कि कस्टमर के सामने सर्विस करवा के देनी है नहीं, पर अब से हम गाइस खुद ही सर्विस पहले ही करवा दे रहे हैं। कई बार मोस्टली कस्टमर यही कहते हैं कि हमारे सामने सर्विस कर दो, तो हम पहले से ही सर्विस करके रख रहे हैं ताकि देरी ना हो, टाइम बचाना जरूरी है, समझ रहे हो मेरी बात? तो पहली गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हो क्या हिसाब की लग रही है भाई। और अभी तो सारी गाड़ियाँ यहाँ अंदर लेके आनी है भाई, और कौन सी गाड़ी की डिलीवरी है। तो देखो भाई, जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो वो सोच सकते हैं कि कौन सी गाड़ी की डिलीवरी हो सकती है, और जिन्होंने नहीं देखी है तो उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, तो वेट करो भाई, आपको इस वीडियो में दिखी जाएगा कि कौन सी गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है, ठीक है? और एक गाड़ी का तो आप गैस भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही दोस्तों, तो चलो 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 फटाफट ये गाड़ियाँ खड़ी करनी है मुझे भाई, बहुत काम है दोस्तों, बहुत काम है। और सुबह सुबह उठ के आ चुका हूँ मैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी उठ के ये फटाफट ये सारा काम कर लूँगा, लेट्स गो। और अंकल जी तो अभी तक आए भी नहीं है भाई, ऐसा सीन है दोस्तों। और कल जाके मेरे साथ जो घर पे हुआ है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, सही में बच गया वैसे मैं, सही में पिताश्री ने मुझे छोड़ दिया दोस्तों। तो थैंक यू भाई, आपने मेरी मदद कर दी, पिताश्री ने मेरे को छोड़ दिया आप लोगों की कहने पे, नहीं तो भाई मैं बहुत गंदा पिटता। बिल्कुल सही दोस्तों, ऐसा मेरा आलू पापड़ बनाते ना पिताश्री, क्या ही बोलूँ मैं, जितना बोलूँ उतना कम है दोस्तों वो चीज़। बिल्कुल सही, तो चलो इसको भी लेके चलते हैं। अरे इसका डोर रह गया यार, या लगी सीन है इसके साथ, क्या ही मसला है। चलो इसको भी लेके चलते हैं दोस्तों, इसका गेट मैंने बंद बंद कर दिया। चलो भाई चल चल चल, किस्मत हो पुद्दू मेरे की करेगा बोल बेटे था दूध। और हमारी इस स्विफ्ट में तो गाइस नए टायर लगे हैं, इस वाले में देख सकते हो क्या मस्त लग रहे हैं, बिल्कुल नए टायर लगा के दिए हैं, क्योंकि इसके टायर काफ़ी ज़्यादा घिस गए थे और अंकल ने आपको पता ही इसके टायर भी निकाल लिए थे। बता हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, मेरे को तो लगा कोई गाड़ी के टायर चोरी करके ले गए, पर नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं था दोस्तों। और बिल्कुल थोड़ी सी ना हमें देख के लेके जानी पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही हल्की सी गलती और यहाँ गाड़ी टच हो जाएगी और फिर और दिक्कत हो जाएगी। चक दे फटे, काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई मुझे तो। जब से इंडियन कार शोरूम खोला है ना मैंने दोस्तों, अभी ना घर पे बातचीत हुई है कि पिताश्री चाह रहे थे कि मैं माताश्री के साथ बाहर चले जाऊं। पता नहीं पिताश्री क्यों भेजना चाहते हैं माताश्री और ट्रेसी को बाहर भेज रहे हैं, पर मेरा यहाँ पे शोरूम है तो वो मुझे नहीं भेज रहे दोस्तों। पर पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं, इंडियन कार शोरूम में ना गाइस अभी और भी तगड़ी चीजें आएगी, ऐसी एसयूवी मंगवाऊंगा। आप लोग कमेंट करके भी बोल सकते हो कि अगले स्टॉक में कौन कौन सी गाड़ियाँ आप लोग चाहते हो हम वो वाली गाड़ियाँ ऑर्डर करवा दिया करेंगे दोस्तों। बिल्कुल सही, बस आप लोगों को कमेंट करके बता देना कि ये वाली गाड़ी आप लोगों को चाहिए, वही गाड़ी हम ऑर्डर पे लगवा देंगे। लेट्स गो, मेरे ख्याल से ना इस वाली को यहाँ खड़ी कर देते हैं। चलो ओके ओके, हल्का सा पीछे, और फाइनली लेट्स गो। अब भाई अपनी दो गाड़ियाँ रह चुकी है, उनको लेके आते हैं गाइस, और सारा सीन क्लियर है। और फिर आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी गाड़ियों की डिलीवरी होने वाली है और कौन कौन सी नहीं। एक गाड़ी की तो 100% है, लेकिन दूसरी का भी कुछ फिक्स नहीं है गाइस, कच्चा पक्का ही है। हालांकि हमें इन गाड़ियों की फोटोज वगैरह भी लेनी थी, पर अब इतना टाइम ही नहीं बचा है भाई, क्योंकि मेन सीन यही है, अब गाड़ियों की डिलीवरी देने का टाइम आ चुका। तो इसीलिए दोस्तों, जब किस्मत हो फिर की करेगा बोन बेटे दूध, समझ रहे हो मेरी बात? तो चलो फटाफट एक काम करते हैं, आखिरी
वही वैगनार भी मैं ले जाऊंगा। आप लोगों ने देख ले कि किस हिसाब से हम गाड़ियां खड़ी कर ही रहे हैं, तो एक बार सारी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और वेट करते हैं कस्टमर के आने का, और फिर आपको दिखाएंगे कौन सी गाड़ी की डिलीवरी हम आज देने वाले हैं। दोस्तों बिल्कुल सही, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, क्योंकि देखो डिलीवरी की सारी चीज़ें हम लेके आ चुके, जो जो इक्विपमेंट हमें चाहिए थे, फूल वगैरह सारी की सारी चीज़ें। लेट्स गो। ओके हाँ जी सर, पेमेंट पूरी हो चुकी है आपकी, बस आप कॉफ़ी पीजिए, जब तक जो पेपर वगैरह रह गए हैं वो हमारा बंदा जल्दी आपको दे देगा, ठीक है, फिर आपकी गाड़ी की डिलीवरी देते हैं। तो फिलहाल भाई जैसे कि आप लोगों ने गाइस कल की वीडियो देखी थी, तो आपको पता ही था कि लास्ट में एक बंदे से ना हमारी टाटा नेक्सॉन की डील हो रही थी, तो भाई वो डील बिल्कुल फाइनली हो चुकी थी, टाटा नेक्सॉन फाइनली कल ही सेल हो चुकी थी, और उन्हीं के ऑफिस से ये बंदे आए हैं गाइस गाड़ी लेने के लिए, उन्होंने बोल दिया था वो नहीं आ पाएंगे, और ये रही टाटा नेक्सॉन जो कि ऑलरेडी हमने चमका के खड़ी कर रखी है। दोस्तों देख सकते हो क्या ही रही है, पर ठीक है इसकी डिलीवरी होने में अभी लिटल टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम है क्योंकि पेपर वगैरह होना है, तो इन्होंने कह दिया ठीक है जल्दी करवा दो, इनको हमने कॉफी वगैरह दे दिया, और साथ ही साथ इन्होंने भाई कुछ पेमेंट कैश करी है गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, और कुछ पेमेंट इन्होंने गाइस हमें ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, समझ रहे हो, तो सही है, अच्छी बात है। आ जाओ अंकल जी आपकी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करवा दो। तो भाई और ये आए गाइस यहाँ पे वैगनार की टेस्ट ड्राइव करने के लिए, मैंने कहा ठीक है करवा देता हूँ, ये गाड़ी वैसे भी करवानी थी, सेटलमेंट करनी थी, इसको खड़ी करनी थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है टेस्ट ड्राइव करवा देता हूँ, आ जाओ फिर चलो लेट्स गो गाइस, इनको टेस्ट ड्राइव भी करवा देता हूँ, तो ये चीज़ें करवानी तो जरूरी है भाई, तो लेट्स गो। दोस्तों गाड़ी के टेस्ट राइड के लिए हम निकल चुके हैं भाई, अब देखो टेस्ट राइड हो रही है, अंकल ये मस्त चला के देख रहे हैं हमारी इस वैगनार को, ठीक है। अंकल ने ये कहा कि इनके पास इंडिया में गाड़ी हुआ करती थी और इन्होंने देखी तो इनका मन दोबारा से कर गया, तो मैंने कहा ठीक है जब तो आपको पता ये चलती कैसे क्यों करनी, तो अंकल कह रहे इस वाली की देखनी क्योंकि इसी कलर में इनको ये लेनी है, ठीक है भाई अब देख सकते हो, देख सकते हो मस्त चला रहे हैं भाई, 80 की स्पीड में भगा रखी है पूरी गाड़ी खींच के अंकल ने, क्या बात है अंकल पूरे फोकस में गाड़ी चला रहे हैं भाई, तो ठीक है हमने इनको बता दिया आप ले जाइए, आप 3 किलोमीटर के अंदर कहीं पे भी गाड़ी ले जा सकते हो, तो देख सकते हो गाइस कैसे हमारी वैगनार की टेस्ट ड्राइव वगैरह कर रहे हैं, कोई नहीं ऐसे हम और गाड़ियों को भी टेस्ट ड्राइव वगैरह देते रहते हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है। दोस्तों अब ये वाली गाड़ी ये देखना चाहते हैं कि चलती कैसी है, इस गाड़ी के टायर्स अच्छे हैं मैं आपको बता दूं, टायर्स भाई अभी बहुत चलेंगे, ऐसा नहीं है कि टायर घिस गए हो, नहीं टायर काफ़ी ज़्यादा चलेंगे, और सारी चीज़ें इंजन से लेकर सारा काम इसका हो चुका है, और सर्विस तो कल ही हुई है आपको मैंने बताया है दोस्तों, हर एक गाड़ी की सर्विसिंग हमने करवा दी और काफ़ी आराम से चला रहे हैं अंकल गाड़ी, क्या बात है, ओहो अंकल आराम से, महंगी गाड़ी है उसकी, चिपका दी ना आपने, वैगनार लेना भूल जाओगे आराम से, लेट्स गो। तो देख सकते हो भाई अंकल ने भी खींच दिया, अरे रे 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 दे रे अंकल ने, भाई अंकल तो मेरे को डरा रहे हैं दोस्तों अपनी ड्राइविंग से, ये देखो पहाड़ की साइड लेके आ चुके हैं ये अंकल भी, क्या ही बोलूँ मैं यार इनको, पर चलो ठीक है यार अब क्या ही बोलो, जब किस्मत ही हो गई खुद फिर की करेगा बोन बेटा, तो अंकल आ गए पहाड़ की साइड गाड़ी लेके दोस्तों, और मस्त अपना गेड़ी रूट कुम, अरे अंकल इतना लंबा कट, अंकल पूरी बदमाशी कर रहे हैं भाई, मान ही नहीं रहे, नीचे हाईवे था पर ऊपर की साइड लेके आ चुके, देखना चाहते थे कि पहाड़ों पे चल भी पा रही है, जान रही है इस गाड़ी में या नहीं, भाई पूरी गाड़ी में जान है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों, गाड़ी में पूरी जान है, ये क्या सीन हो गया, ये गाड़ी से आवाज़ तो नहीं आई, नहीं गाड़ी से नहीं आई, ये रेडियो चला दिया अंकल, यार ये चलेगा सब चलता है इसमें, अंकल देख रहे हो दोस्तों रेडियो चेक करने लग गया यार अंकल, आप भी कमाल कर रहे हो यार, हाँ मैं डर गया इस गाड़ी से दिक्कत आ गई अंकल गाड़ी नहीं लेंगे, अब डर तो लगता ही है ना, और ओवरटेक करने के चक्कर में देख रहा हूँ अंकल कैसे गाड़ी चला रहे हैं भाई, ठीक है अब जैसे चलाते चलाने देते दोस्तों, हम तो क्या ही बोलेंगे, इन्हें बड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं, ओहो बेटे वैसे वैगनार जो भी बोलो लगती तो अच्छी है दोस्तों, है नहीं एक नंबर की लग नहीं रही है, क्या ही बोले, अरे तेरी भैं, अरे 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 ये कैसा ओवरटेक अंकल, चिल अभी आपकी हुई नहीं है, जब हो जाएगी जब ऐसे ओवरटेक करना, अभी ठोक देते यार आप, कमाल कर रहे हो भाई अंकल तो अलग ही कॉमेडी कर रहे हैं कसम से दोस्तों, क्या ही बोलूँ मैं अभी भी बढ़ा दिया है अंकल ने, तो जिस हिसाब से चला रहे थे अब इतनी जगह अब नहीं लेंगे, अरे अब कर लो ओवरटेक, अब कर लो, अब गाड़ी आ गई अब रहने दो भाई, तो फाइनली देख सकते हो मेरे ख्याल से अंकल ले ही लेंगे दोस्तों, क्योंकि गाड़ी चलने में एक नंबर है, और मैंने जैसे कि आपको बताया गाड़ी की सर्विसिंग भी अभी हुई और स्मूथ इतनी चल रही है ना गाड़ी, अच्छा अंकल भी कह रहे हैं गाड़ी मेंटेन काफ़ी अच्छी कर रखी है, अब इनको कौन बताए हम तो मेंटेन करके रखते हैं, तो यही सीन है, अब कितना टाइम लेंगे यार अंकल, 3 किलोमीटर के अंदर बोली थी पूरे 3 किलोमीटर ही लेके जा रहे हैं दोस्तों, अंकल मान ही नहीं रहे हैं, ये देख रहे हो कहाँ से हम कहाँ आ चुके हैं, अरे दे 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 आते समय मैं लेके जाऊँगा गाइस अंकल को दिखाऊंगा कि गाड़ी चलाते कैसे हैं, बिल्कुल सही अंकल मेरी ड्राइविंग देखना, ओहो खींच के मीटर, अब अंकल देख लो गाइस ओवरटेक ही नहीं कर रहे डर के मारे, अरे दे 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 अंकल एक काम करो आगे ना नीचे की साइड रास्ता आएगा आप वहाँ ले चलो एक बार, इसको ये भी तो देख लो कच्चे रास्ते में कैसी चलती है नहीं, हमें तो विश्वास है भाई अपनी गाड़ियों में दोस्त, हाँ यहीं से ले लो अंकल जी मोड़ लो, लेट्स गो अंकल ने गाइस गाड़ी मोड़ ली आप देख सकते हो,
ओहो आराम से, होली होली अंकल जी, पर थोड़ा मत देना किसी दोस्त, तेरी 70 की स्पीड में तो कट ले रहे गाइस। पर सही है यार अंकल, मस्त चला रहे हैं यहाँ तो गाड़ी। अब मैं चला कर इनको दिखाऊंगा कि अब किस हिसाब से गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं, क्योंकि अंकल ने खींची बिल्कुल भी नहीं है, बस 80 तक लेके गए हैं। और फिर मैं अभी आप इनको चला के दिखाने वाला हूँ, तो मेरे ख्याल से तो इनको ये गाड़ी पसंद आ गई होगी। और बाकी देखते हैं गाइस क्या सीन है क्या नहीं, बाकी चलने में तो एक नंबर है। अंकल कह रहे हैं भाई मस्त चल रही है गाड़ी तेरी यार, मस्त तो चलेगी दोस्तों, इतनी दूर से तो हमने ये गाड़ी एक तो पहले ऑर्डर कर रखी है। अरे 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 अंकल ऐसे खड़े ब्रेक नहीं, ये कहाँ झाड़ी में घुसा दी, क्या कर रहे हैं अंकल, आओ मुझे तो मैं चलाता हूँ अब लो। तो दोस्तों अंकल जी आ रहे हैं, अंकल जी थोड़े हल्के होने चले गए थे वहाँ झाड़ियों में। अब मेन सीन ये अंकल ने कहा कि गाड़ी तो अच्छी चल रही है, कितना टाइम लग जाएगा इसके प्रोसेसिंग में। मैंने कहा अंकल जी अगर आप बोलोगे तो आज ही दे देंगे आपको गाड़ी, पर अंकल जी कह रहे हैं चलो मैं एक बार घर पे पूछ लूँगा कि मेरे को लेनी है नहीं, इतना टाइम वेस्ट करवा दिया अंकल जी ने। पर अंकल का ऐसा पूरा मूड है गाइस, ये देखो अंकल जी एक नंबर है, टंकी भी फुल रखते हम अपनी गाड़ी की, अब आपको गाड़ी देंगे ना पूरी टंकी फुल में मिलेगी, लेट्स गो। ये देख सकते हो दोस्तों, ये लो भाई खींच के मीटर और लेके निकल गए गाइस हम अपनी वैगनार को। और अंकल जी देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग आपने भी चला के देखी गाड़ी चलती एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 80 की स्पीड में मोड़ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि गाड़ी में दिक्कतें हैं, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। देख रहे हो दोस्तों कितनी तेज मोड़ रहा हूँ मैं अंकल को, दिखा भी रहा हूँ मोड़ के भी, और आप लोग भी देख सकते हो भाई हम जो गाड़ी देते हैं ना भाई एक नंबर की गाड़ी देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती गाड़ी में, एक नंबर की स्मूथ कार हम सेल कर रहे हैं। और अंकल जी ने भी यही कहा कि तेरी गाड़ी चल तो वैसे अच्छी भी है, चलेगी भाई। ये देखना, ये देखो अंकल जी, अब एक बार ये स्पीड देखना अंकल जी मैं कितनी पे भगाने वाला हूँ इसे, इतनी पुरानी गाड़ी होने के बाद भी स्पीड देखना ये कितनी आराम से इतने 110 पहुँच चुकी है। तो अंकल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मसला हो जाएगा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी और स्मूथ ही चलेगी। ये देख लो 130 भगा दी मैंने, और बोलो। अरे अंकल ऐसी गाड़ी का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, मैं तो कहूँगा अभी ऑर्डर करवा दो, कल डिलीवरी ले जाना बेशक अगर आपको घर पे ही पूछना हो तो। बाकी ये है ऑर्डर के आपको जो पैसे होंगे 5% काटेंगे हम उसमें से, बस अगर आप बुकिंग करवा दे तो बुकिंग अमाउंट 5% हम काट देंगे, अगर आप कैंसिल करवाओगे तो बता दो, अगर आपको चाहिए हो तो। देख सकते हो भाई अंकल को मैं मनाने की ट्राई तो कर रहा हूँ, अब देखो अंकल जी 130 भग रही है अभी भी, और भाई 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 और क्या ही चाहिए। और देखो ब्रेकिंग देख रहे हो एक नंबर के अंकल, खड़े ब्रेक जहाँ बोलोगे गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो सोच लो फोन पे बात कर लो घर पे, और अगर लेनी है तो फिर मुझे बता दो, फिर उस हिसाब से हम आपका सारा अरेंजमेंट आज ही करवा देंगे, ठीक है। तो भाई अंकल को मनाना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे ही तो मनाना पड़ेगा जब भी तो हमारी गाड़ियाँ बिकेगी यार, ऐसे अगर मैं कुछ बोलूँ वही नहीं तो गाड़ियाँ बिकने से रही दोस्तों। और बाकी गाड़ी सही में वैगनार बहुत अच्छी चल रही है यार, ये देखना अभी ड्रिफ्ट मार के दिखा दूँ मैं वैगनार के साथ ड्रिफ्ट, ये देख रहा क्या सीन है, पूरा एक नंबर का मस्त सीन है भाई, मस्त चलती है गाड़ी। अरे मुबारक सर जी मुबारक, कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार, कांग्रेचुलेशन भाई, यहाँ तो अलग ही सीन हो चुका है, माहौल एकदम से बदल गया गाइस हमारे शोरूम का, बिल्कुल सही। जिनको फोटो खींच जल्दी जल्दी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो अंकल आए ना गाइस गाड़ी लेने के लिए, मेरे को भी यही था कि उनके लिए गाड़ी लेने के लिए आए हैं कि भाई जिन्होंने कल ऑर्डर कर रखी है, लेकिन मेरे पास फोन आता है फिर भाई, जिन्होंने कल जो कल आए थे गाइस गाड़ी देखने के लिए, उन्होंने मुझे सारा सीन बताया कि ये गाड़ी भाई इनको गिफ्ट कर रहे हैं वो, बिल्कुल सही, उनके एम्प्लॉय उनके ऑफिस में काम करते हैं, और अंकल को जैसे ये पता चला अंकल खुश हो गए कि इनको ये गाड़ी गिफ्ट में मिल रही है, टाटा नेक्सॉन इनके ओनर ने इनको गिफ्ट कर दी दोस्तों, देख सकते हो मैं भी खुश हो गया ये चीज़ देख के तो, और पटाखे वगैरह भी हमने फोड़ दिए, अंकल की खुशी आप देख ही सकते हो कैसे उछल उछल के भाई खुशी मना रहे हैं अपनी की, मजा ही आ गया मजा ही आ गया। शाबाश जिगू अंकल, एक काम करो सुनो आप और फोटो वगैरह खिंचवा लो अपनी गाड़ी के साथ, यहाँ पे ना वो फोटो खींच लेगा आपकी अच्छी अच्छी। और एक थोड़ी सी ना मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, फाइनली आप एक चीज़ तो देख सकते हो कि टाटा नेक्सॉन की डिलीवरी हमने कर दिया, नेक्स्ट लेवल का मजा आया, लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो चुकी है हमारे जो ये वाले अंकल है, बिल्कुल सही इन अंकल के साथ कॉमेडी हो चुकी है, जैसे ही अपने घर पे फोन करते हैं कि मैं गाड़ी ले लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ, इनकी जो लुगाई है बोले तो इनकी पत्नी, उन्होंने धमका दिया तेरी ऐसी तैसी दिलाऊँ तेरे को गाड़ी ये है वो है, और अंकल का मुंह बन गया कि कोई गाड़ी नहीं लेनी ऐसी इनकी पत्नी ने इन्हें बोला, बिल्कुल इसकी लुगाई ने अंकल की लुगाई ने मना कर दिया गाइस गाड़ी लेने के लिए, इनका तो बहुत मन है वैगनार लेने का, पर अंकल जी को मैंने बोला ठीक अंकल जी देख लेना यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, अंकल जी गाइस काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके हैं, अब मैं भी क्या ही बोलूँ, अब इनकी जो घरवाली मना कर रही है, अंकल जी कुछ लगे तो आ जाना कोई दिक्कत नहीं है। अंकल देख रहे हो दोस्तों काफ़ी सैड हो चुके हैं कि इसकी घरवाली नहीं मना कर देगी गाड़ी नहीं लेनी है, एक जगह खुशी है तो एक जगह दुख, देख सकते हो दोस्तों, पर पहले वहाँ खुशी थी तो यहाँ दुख तो नहीं था मतलब, पर फिर भी अलग ही सीन चल रहा है गाइस यहाँ प्रॉपर, क्या ही बोलूँ मैं, अलग ही माहौल है। अब अंकल की घरवाली ने मना कर दिया, अंकल का मुंह दिखाऊं मैं आपको कैसा लग रखा है, तो ये देखो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दुखी वाला माहौल, अंकल सैड हो रखे हैं कि अब मैं क्या करूँ, उनका काफ़ी मन था ये वैगनार लेने का दोस्तों, अगर हम ये वैगनार अंकल को गिफ्ट कर दे दोस्तों कैसा आइडिया रहेगा, क्योंकि अंकल का एड्रेस हमारे पास है,
बताओ दोस्तों, कर दिया जाए ये वैगनर अंकल को गिफ्ट। नेक्स्ट लेवल का मजा नहीं आ जाएगा? अंकल के घर पे जाएंगे और वैगनर गिफ्ट करके आएंगे। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अगर आप इस वीडियो में 100 लाइक कर देते हो तो अंकल को हम वैगनर गिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जल्दी से 100 लाइक कर दो दोस्तों, वैगनर गिफ्ट करके आएंगे अंकल को, पक्का 101%। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। टाटा नेक्सॉन की डिलीवरी हो चुकी है, नेक्स्ट लेवल का मजा आ चुका है, आप देख ही सकते हो। एक नंबर की खुशी अंकल बना ही रहे, एक और बार अंकल जी। अच्छा तो अंकल कह रहे हैं मेरे से फोटो खिंचवा ले। ठीक है भाई, खिंचवा लेते हैं अंकल जी, क्या ही दिक्कत है, खींच भाई। कांग्रेचुलेशन है, कांग्रेचुलेशन अंकल जी फॉर योर न्यू गड्डी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। टाटा नेक्सॉन की फाइनली डिलीवरी हमने कर दी है, काफी ज्यादा मजा आया मुझे तो, आपको भी आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा, चंगा फिर अगली वीडियो।